हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है माल्टा का वीज़ा हम कैसे ले सकते हैं, वो कोई सा भी वीज़ा हो। सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि माल्टा के अंदर इस वक्त जो वर्कर शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा है, जो वीज़ा रेशियो है माल्टा की वो भी बहुत ज़्यादा है। तो 98.9% इस वक्त वीज़ा रेशियो है। माल्टा का वीज़ा 10 से 15 दिन के अंदर आप ले सकते हो। कौन कौन से माल्टा के वीज़ाज हैं, इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अहमद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी अहमद 0490। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपको इस चैनल के ऊपर ट्रैवलिंग के बारे में, मुख्तलिफ कंट्री के वीज़ाज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन फ्राहम करूँगा। आपको बताऊँगा कि हम किसी दूसरी कंट्री में कैसे मूव हो सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑल वर्ल्ड में आपको बताऊँगा, बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। आप खुद अपने कहीं भी बैठ के आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको पूरा लिंक्स भी दूंगा, आपको बताऊंगा भी कि कैसे, प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो फ्रेंड्स, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आप पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आप मुझे, मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझे वहां पर भी जाकर मैसेज कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, वो इसलिए कि अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो अगर तो वीडियो आगे आगे यूट्यूब जो होता है वो आगे आगे वीडियोस भेजता रहता है। तो इस तरह ये होगा कि आपके साथ दूसरे भाइयों का भी फ़ायदा होगा। इसलिए वीडियो को देखने के बाद आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। एंड वीडियो के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपके माल्टा के बारे में बताता हूँ। माल्टा एक छोटा सा यूरोप का एक मुल्क है। इसके अंदर जो वर्कर शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा है। वो जो एक्चुअल में जो माल्टा जो कंट्री है, ये यूरोपीय यूनियन के अंदर आती है, शंजी जोन की ये कंट्री है। तो इसका जो वीज़ा रेशियो है वो 98.9% है। तो इसका, ये टूरिज्म कंट्री है, तो इस तरह यहाँ पर वर्कर्स की जो रेस्टोरेंट्स की, ड्राइवर्स की, डिलीवरी बॉयज़ की, इस तरह बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। जो भाई अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि माल्टा के अंदर कौन कौन से वीज़ास, किन किन वीज़ास के ज़रिए हम माल्टा के अंदर जा सकते हैं। तो जो माल्टा के अंदर जा सकते हैं, सबसे विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा हो गया, इस पर हम जा सकते हैं। स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा माल्टा के कुछ वीज़ास ऐसे हैं माल्टा के वर्क वीज़ा में से, तो जो बिल्कुल वीज़ा फ्री जाते हैं हमें, हमारे इतने पैसे हमारे नहीं लगते। तो नॉर्मल सी हमारी कॉस्ट होती है जो 80 यूरो होती है, जो हमारी वीज़ा की फ़ीस है। तो हम अपनी फैमिली को भी साथ लेके जाते हैं। अगर हमारे बच्चे होंगे या जो हमारे साथ जाना जा रहे हैं उसकी जो एज है 12 साल से कम है, उसकी 40 यूरो है। अगर हम अप्लाई करें 12 साल से ऊपर वाले, तो 80 यूरो है। इसमें कोई एजुकेशन अर्न की लिमिट्स नहीं है। आपको ये नहीं कि आप 8 पढ़े हो, 10 पढ़े हो, 12 पढ़े हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, कि आपके इसमें नो एजुकेट, कोई उन्हें ऐसा नहीं है कि उन्हें एजुकेटेड ही चाहिए। नॉर्मली से आपको वहाँ की, आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए जो आप क्लियर कर सकें। ठीक है, तो इस तरह अगर बात करें कि हम अपनी फैमिली को भी वहाँ पर बुला सकते हैं, वहाँ का लिविंग एक्सपेंस भी बहुत कम है। तो अगर हम वीज़ास के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा आ गया, स्टडी वीज़ा भी आ गया, वर्क वीज़ा भी आ गया। अब बात करते हैं हम डिजिटल नोमेड वीज़ा। जो ये वीज़ा है, ये डिजिटल नोमेड वीज़ा, ये उन लोगों के लिए जो इंटरप्रेन्योर में आते हैं और इनकी जो मंथली इनकम है वो $2000 से अप है। वो किसी किस्म का भी हो, ऑनलाइन बिजनेस आप करते हो तो आपकी जो सैलरी है, जो आपकी इनकम है वो 2000 डॉलर से अगर ऊपर आती है तो आप डिजिटल नोमेड वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टार्टअप वीज़ा। जो माल्टा का स्टार्टअप वीज़ा भी है, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें ये होता है कि आप, ये बिज़नेस वीज़ा आप इसे कह सकते हो, आप वहाँ पर बिज़नेस कर सकते हो। आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो, अपनी वाइफ, अपने बच्चों, अपने माँ बाप को भी, जो भी, जिसको भी, अपने फैमिली रिलेटिव्स को भी बहुत आसानी से इसको बुला सकते हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि माल्टा का स्टडी वीज़ा कैसे अप्लाई करें, मैंने ऊपर लिंक में इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई है, आपने वो देख लेनी है। आपको ये वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आपने देख लेनी है। माल्टा का वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई करें, माल्टा का वीज़े के लिए जॉब्स कैसे फाइंड करें, माल्टा का वीज़ा कैसे, कहाँ से अप्लाई करें, इसके ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है। आपको इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। आपने इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। जाने के बाद आपने वहाँ पर आज बहुत आसानी से आपने देख लेनी है। देखने के बाद आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। एंड
तो आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत इजी वे से। मैंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस बहुत इजी वे से बताया हुआ है। 10 से 15 दिन में आप वीज़ा ले सकते हैं। आप खुद बैठ के कहीं से भी, आप इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, किसी भी कंट्री में, एशियन कंट्री में बैठे हो या किसी दूसरी कंट्री में बैठे हो, तब भी आप बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हो कर सकते हो। मैंने लिंक्स भी दिए हुए हैं, बहुत ईजी करके मैंने मेथड करके बताया हुआ है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि माल्टा माल्टा की जो PR है वो 3 साल के अंदर हमें मिल जाती है, मिलने के बाद हम 140 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री जा सकते हैं, किसी यूरोप की दूसरी कंट्री में मूव हो सकते हैं, वहाँ पर जाकर भी सेटल हो सकते हैं, तो ये माल्टा की हमारे पास PR होगी, तो हम 140 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैं थोड़ा सा बता दूँ, तो नॉर्मल से होते हैं जैसे दूसरों के होते हैं। मैंने इनके ऊपर वीडियोस बनाई हुई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता चला जाऊँ। तो जो बैंक, सबसे पहले आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए अगर वीज़े वीज़े के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो 20 लाख पाकिस्तानी होनी चाहिए लगभग, 15 से 20 लाख। और अगर इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो आपसे 8-9 लाख। इस तरह बांग्लादेश भाई भी अपनी करेंसी के 3000 यूरो बनता है, तो आप इसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके आप देख सकते हो। ठीक है, 3000 यूरो से अप होना चाहिए। ओके, अब ट्रैवल प्लान आपका अच्छा होना चाहिए वीज़ा वीज़े के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो तो ऑलरेडी बनाई हुई है, आपने वो वीडियो देख लेनी है, तो मैं शॉर्ट आपको बता रहा हूँ। तो फ्लाइट रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन और हेल्थ इंश्योरेंस VFS के थ्रू आप अप्लाई करेंगे, तो मैंने बहुत मुकम्मल डिटेल से मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी। अगर वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। तो अगर आप लाइक करोगे तो ये वीडियो आगे यूट्यूब देगा, तो और सब बहुत सारे भाइयों का भी फायदा हो जाएगा, तो वो भी वीडियोस देख सकेंगे। ठीक है, तो वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे इन कॉमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तब भी आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अपने दोस्त अहमद को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।